किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य का ये बुनियादी सिद्धांत होता है कि उसमें ना तो किसी धर्म को प्रोत्साहित किया जाता है न ही किसी को हतोत्साहित। सबको अपना मजहब मानने की आजादी होती है। साथ ही अपेक्षित होता है कि कोई अपने धर्म के पालन अथवा उसके प्रचार प्रसार के लिए राज्य से सहायता की अपेक्षा न रखे, न ही राज्यों को ऐसी मदद देनी चाहिए। भारतीय संविधान ने अपने देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की है, लेकिन अफसोस बात यह है कि आरंभ से ही सरकारों ने इसी संभावना के मुताबिक आचरण नहीं किया। वोट की तलाश में राजनीतिक दलों ने विभिन्न धर्मवादियों को राजकोष से ऐसी मदद दी जो सैद्धांतिक रूप से उचित नहीं थी। हज यात्रा के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग को दी गई सब्सिडी भी ऐसी एक सहायता रही है। अतीत में इस पर न्यायपालिका ने सवाल उठाए, लेकिन सरकार इसे खत्म करने से हिचकती रही। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सरकार को निर्देश दिया कि वो सब्सिडी को चरणबद्ध ढंग से 2022 तक समाप्त कर दे। इसकी रोशनी में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का यह ऐलान बेहद अहम कि हज यात्रियों को इस साल से सब्सिडी नहीं मिलेगी। सरकार ने कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक अपने हज नीति तैयार की है। नकवी ने कहा, यह बिना तुष्टिकरण किए अल्पसंख्यकों का गरिमामय शक्तिकरण की हमारी नीति का हिस्सा है। ये दौरे का हर्ष का विषय है ये कि हज सब्सिडी खत्म करने से बचने वाले धन को सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को शिक्षा एवं उनके कल्याण पर खर्च करने का निर्णय लिया है। स्पष्टता यह है कि सबका साथ सबका विकास की नीति के अनुरूप है। फिर सब्सिडी खत्म करने से मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपनी सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक भावन धार्मिक यात्रा करने में दिक्कत न आए, सरकार ने उसे सुनिश्चित करने का भी कोशिश की है। जल मार्ग से सऊदी अरब जाने का विशेष प्रबंध करने का इरादा उसने जताया है। इससे वे लोग आसानी से हज करने जा सकेंगे जो हवाई यात्रा का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं है। सरकार ने हज कमेटी ऑफ इंडिया प्राइवेट ऑपरेटरों के बीच हज कोटा के बंटवारे को विवेक सम्मत बनाने की पहल की है, जिससे निहित स्वार्थी तत्वों की मिलीभगत से हज यात्रा के लिए जरूरत से ज्यादा शुल्क वसूलने की परिपाटी रूप इन प्रयासों को देखते हुए आशा की जा सकती है कि हज सब्सिडी खत्म होने का हज यात्रा के इच्छुक मुस्लिम धर्मवादियों पर कोई खास प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वर्ष सऊदी अरब हज के लिए 5,000 अधिक भारतीयों को अपने यहाँ आने की इजाजत देगा। इससे 1.75 लाख लोग वहाँ जा सकेंगे। 1300 महिलाओं को भी वहाँ जाने की संभावना है। यानी कहा जा सकता है कि सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे हज यात्रियों पर कोई उल्टा असर नहीं पड़ेगा और कुल मिलाकर मुस्लिम समुदाय को लाभ होगा तथा भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि भी उज्जवल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल आवाज़।